हेलो गाइज, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। जैसे ही कोरोना के बारे में पता चला, लॉकडाउन हुआ और आई थिंक 22nd ऑफ मार्च को जो है जनता कर्फ्यू हुआ था और उसके नेक्स्ट डे 23rd या 24th को लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि इस वायरस के बारे में सही से जानते भी नहीं थे और कहीं ना कहीं इंडिया ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन भाई साहब, जब से ये अनलॉक 1 अनलॉक 2 होना शुरू हुआ, तब से ऐसा लग रहा है कि कोरोना का डर ही खत्म हो गया है। आप निकल जाइए बाहर, आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो है मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो प्रिकॉशंस मिनिमम एटलीस्ट आप लोग मास्क और हैंड सैनिटाइजर, ये सब चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। हालांकि ऑब्वियसली आप ज्यादा टाइम तक घर पे नहीं बैठ सकते, बहुत महीने 3 महीने ऑलमोस्ट सब घर पे बैठे हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, फाइनेंशियली भी आपको सब कुछ संभालना है, तो काम के लिए जाना जरूरी हो गया है। लेकिन स्टिल लोगों को आई थिंक वो डर ही खत्म हो गया है। तो क्या है कि अभी जो है बीमारी गई नहीं है, इतना ग्रांटेड उस चीज को हम लोगों ने ले लिया है, पता नहीं। और अब ऑलमोस्ट 80,000 केसेस ऑलमोस्ट रोज आ रहे हैं, फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज प्लीज जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वो लीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने सामने वालों का, अपने परिवार का, उन सबका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। और हम ऑब्वियसली हर चीज में आगे होना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ऐसी चीज में आगे ना हो, नंबर वन ना हो, जब हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और ठीक है, पर जब ये कोरोना आया था उस टाइम पे, जो लॉकडाउन हुआ था, जब बहुत ज़्यादा सख्ती की गई थी, तब मैंने एक दो चीज़ें लिखी थी, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किसने सोचा था कि ये दिन भी आएगा, किसने सोचा था कि ये दिन भी आएगा, इंसान पिंजरे में बंद और जानवर आज़ाद हो जाएगा। आज हिंदू भी बंद है और मुसलमान भी, अमीर भी और गरीब भी, अब नहीं सुधरे तो कब सुधरे। तो ये मैंने इस चीज़ के ऊपर लिखा था कि कोई भी अच्छी चीज होती है या कोई भी बुरी चीज होती है तो वो पार्शियलिटी नहीं करती, भेदभाव नहीं करती किसी में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी लेवल का इंसान हो। तो वो जब कोई चीज होती है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि यार ये इसको नहीं और ये उसको नहीं, तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा लाइट नोट पे लेके चलते हैं। और मैंने उस टाइम एक और चीज़ लिखी थी हमारे लव बर्ड्स के लिए, जो प्यार में होते हैं, वो लोग जो कल तक एक दूसरे के साथ थे, आज वो दूर अपने अपने घरों में हैं। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के साथ थे, आज अपने अपने घरों में हैं और आज एक मुलाकात के लिए भी तरसते हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक पर्सनल स्पेस के लिए लड़ा करते थे। ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक साथ रहते हैं, लिविंग में रहते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, या किसी भी रिलेशन में होते हैं, तो आप लगता है कि यार हर छोटी छोटी चीज़ में आ रहे हो, तब आप पर्सनल स्पेस पे बहुत झगड़े करते हो। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ और सब अपने अपने घरों में चले गए, तो शायद बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई होंगी, जिनकी आदत थी रोज़ मिलने की, एक दो दिन में मिलने की आदत थी, और वो इतने लंबे समय तक नहीं मिले, तब उनको रियलाइज हुआ होगा कि सामने वाला जो इंसान है वो आपके लिए कितना वैल्यू करता है। तो बस यही कहना चाह रहा था मैं, और मैं ये बेसिकली मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं वो बहुत गलत है, और डर जो है वो थोड़ा सा बना के रखिए अपने अंदर। आपकी वजह से किसी दूसरे को भी हो सकता है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर में किसी को नहीं हो सकती। सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कोशिश कीजिए कि घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट कीजिए कि अपना इम्यून सिस्टम जो है वो भी बना रहे, जॉगिंग कीजिए, नहीं तो नॉर्मल योगा कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि अपने आप को फिट रखें और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।